पधारिए महाराज, पधारिए, पधारे महाराज सुरसेन जी। पधारिए, पधारिए महाराज, पधारे महाराज चंद्रभान सेन जी, महाराज तुमुल घोष जी, पधारिए महाराज, स्वागत है आपका, पधारिए महाराज वीरभद्र सेन जी, पधारिए महाराज, पधारिए, गढ़वाल देश के राजा महाराज छत्तर सेन जी, पधारिए महाराज, पधारिए, जनरल देश के राजा महाराज जलंधर सेन जी, पधारिए महाराज, पधारिए। अरे भाई, आइए महाराज, आइए, पधारिए, स्वागत है। सावधान महामुनि विश्वामित्र के साथ महाराज अधिराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं। राजकुमार सागर नागर बरबीरा, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्याम गौर शरी। अब ऐसा आगे कर दे, इसको आगे कर दे, पर रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रखते राजा कुमार कल्याण मनोरथ। इसको उठाना यहाँ पे, इस कुर्सी को उठा के आगे कर दे। स्वागत करते हैं, यश दूर दूर तक अमर रहे हम यही कामना करते हैं। जी।
शांतर के राजाओं को बुलाया, क्या कारण था तूने हमें निमंत्रण नहीं भेजा? क्षमा कीजिए महाराज, आपको निमंत्रण भिजवाना बहुत कठिन था, क्योंकि 400 योजन के समुद्र को पार करके आपको निमंत्रण भिजवाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था महाराज। जनक, यदि तू निमंत्रण पत्र पर हमारा नाम लिखकर समुद्र में डाल देता तो उसमें इतना बल कहां कि पत्र हमारे पास ना पहुंचे। यदि तू निमंत्रण पत्र वायु में फेंक देता तो पवन में इतना साहस कहां जो वो पत्र हमारे पास ना पहुंचे। और हां, प्रण में तेरा सुन चुक्यो पूर्ण भयो निर्जान, अरे असमंजस की बात क्या, सो किम करू बखान। मम भुजवल जग में विदित महाभरी सरसाद, ज्ञान क्यों कैलाश को कहा धनुष की बात। धनु उठाए जो तोड़हूं, धनु उठाए जो तोड़हूं, तो ये आयुष महान, मम स्वामी कहीं रूठ न जाए शंभु भगवान। दत्ति आओ, धनुष उठाओ, कछु बल कीजे, जग यश लीजे। शंभु को दंड दे राजपुत्री किते, टेक दे तीन के चाहूं लंका हिले। दस कंठ रे हछार दे, शत बार बार न बोलिए, अब आ जाऊ राज समाज में बल साथ चितना डोलिए। गिरिराज ते गुरु जानिए, सुरराज को धनु हाथ ले, सुख पाही जाही चढ़ाई के, घर जाही रहे या साथ ले। अरे बाणासुर, मेरी जिन बलवान भुजाओं ने वज्र के गर्भ को खंड खंड कर डाला, जिन्होंने वरुण के पाश को पल भर में तोड़ डाला, जिसके भय से देवता अपनी स्त्रियों को लेकर भाग खड़े हुए, वही मेरी बलवान भुजाएं इस धनुष को कमलनाल की भांति तोड़े, ये मेरे लिए लज्जा की बात है बाणासुर। कैटल सो नरकासुर सो, पल में मधुसो मुरसो जही मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पूरण वेद पुराण विचारियो, श्री कमला कुंज कुमकुम मंडल,
पंडित देव अधेव निहारियो सोवर मांगन को बलि पे करता रहू को कर जाए पसारियो। हमारी तुम्हें नहीं पूछे विक्रम वाद अखंड अभय यही कह देगो मदन कदन मदन कदन कोडन बेगी कहिए ब्राह्मण सो तो बेगी चढ़ाओ सरासन को। अरे बातें बनाए बनाई के का कहिए छाड़ी दे शासन वाचन को। जानत है कि जे जानत नहीं तू अपने मदरासन को ऐसे कैसे मनोरथ पूजे बिना लिप शासन को। अपान बात तहे कही आवे सोई कहे जो तहे भावे मोके रोक सके कहु कोरे जुद्ध जुरे जम हो कर जोरे का कहियो हम यो ही वरेंगे। हाय हाय राज करे सो करेंगे। हो पलक माही लेहु चढ़ाए कछु तुम भी तो देखो उठाए। मेरे गुरु को धनुषिये सीता मोरी माए दो भाती असमंजस में बाण चले सिरना है। बाण चले सुपाए अब इस दरबार में मेरे अतिरिक्त कोई योद्धा नहीं जो भगवान के इस धनुष को उठाना तो दूर तिल भर हिला भी सके। अब मैं इसका खंडन कर सीता से विवाह करूंगा। ये के नैन सींच सींच आवे कौन अधम नीच मेरे आगे सभा बीच तुनक 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 को सुर पर उखाड़ डालू सब तोड़ ताड़ डालू। गिरी सुमेर कनक को भुजा है प्रचंड मेरे द्वीप मेरे खंड खंड करूं धनुष को तोड़ूंगो मैं ही चाप ब्याहूंगो सिया को आप और सभी राजे महाराजे देखेंगे इस धनुष को आज। लंकेश सावधान शीघ्र लंका पहुंचो। Thank you.
जन स्वयंवर सभा में पधारे हुए सभी राजाओं और महाराजाओं को हमारे प्रण से अवगत करा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजा और महाराजा गण सुनो, हम अपनी इन विशाल भुजाओं को उठाकर महाराज जनक जी के प्रण को कहते हैं, सावधान सावधान योद्धा गणों, सुनो लगाकर ध्यान, कहते हैं इस सभा में हम ये नृप संकल्प महान, ये महामहोत्सव समारोह, ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणय है, परिणय है जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जिसे धरोहर पाया था, फिर जिसे उठाया सीता ने दूसरे ना कोई उठा सके, दश शीश सहस्र बाहु तक भी जिसे हटा ना हिला सके, उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में, राजा की टेक प्रतिज्ञा इस धनवा द्वारा होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा अर्पण उसको सीता होगी। हे वीरों समय यही तो है भुज बल की शक्ति दिखाने का, धनुर्विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का, देखें देखें वो कौन वीरवर हैं जो राजा का जमाता हो, हे ऐसा कौन भाग्यशाली जिसका सीता से नाता हो। आए हुए सभी राजा और महाराजा गण महाराज जनक जी के प्रण को भली भांति सुन चुके हैं, मध्य में भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा है, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी को वरेगा। अब बारी बारी आइए और अपना पराक्रम दिखलाइए, पधारिए पधारिए महाराज पधारिए। मैं चाहता हूँ
संभालिए संभालिए महाराज। स्थान गए पधारी महाराज। अब जन को मखे भट मानी, अब जन को मखे भट मानी, पीर बीर मही मैं जाने, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न बीति देही देही। आज मेरे प्रण को सुनकर देश देशांतर के राजा और महाराजा इस स्वयंवर सभा में पधारे। मैं देख रहा हूं कि कुछ देव और दानव भी रूप बदल कर यहां आए हैं, परंतु मुझे दुख है कि भगवान शंकर के धनुष को उठा ल तो दूर कोई उसे तिल भर हिला भी न सका। द्वीप द्वीप के राजागण, द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, अरे हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले पहले विचार होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, अरे ऐसा प्रण न करते हम तो ये जग हसी नहीं होती। अब थोड़े अपने प्रण को हम तो मान हानि है, लज्जा है, पुत्री कुकुआरी रहना है, क्या करे क्या करे, हमारा वश क्या है, आशा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। ए हाँ माँ के लखन कुटिल भई भो, ए हाँ माँ के लखन कुटिल भई भो, रदपट भर कत नैन रिसो, रदपट भर कत नैन रिसो। शांत मिथिला नरेश महाराजा जनक शांत। इस तरह के मिथ्या शब्द अपने मुख से ना निकालें, कहीं ऐसा ना हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए।
हे नाथ, हम रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा किसी ने ऐसे मिथ्या शब्द ना कहे होंगे जिस प्रकार के मिथ्या शब्द मिथिला नरेश महाराजा जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम को इस सभा में उपस्थित जानते हुए कह डाले हैं। हे सूर्य वंश के कमल के रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं अभी तो अभिमान से नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को कमल डंड की भांति पृथ्वी से उखाड़ कर गाजर और मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूं। भैया, फिर आपके प्रताप से यह धनुष तो चीज ही क्या है, अब तो ना सही जात पीर रघुवीर धीर तीर सम लगे हैं बैन, आयुष जो पाऊं मैं ललित मरहोर मही वार्दी में तू डर हूं बोरी, तो रहू तिग दंतन के दंत ना दिखाऊं मैं, श्री रावरो पर ताप बल मैं साची कहूं रघुवीर मैं मेरू ले उखे चित छोर लग धाऊं मैं। अटिक रहे हो कहां तनिक निकारो मुक्ते बैन, झटक सरासर को चटक चढ़ाऊं मैं, तो रहूं छत्र की दंड जमी तभे प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं पुनही ना धरु धनु हाथ नाथ यही प्रण रोपो उलट देऊं ब्रह्मांड यदि क्षण भर भी कांपो। इन राजन संग हार मान नाथ नहीं मुख मोड़ो, चरण कमल उर राखी नाथ पल में धन भी तोड़ो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की थाप न हो वे मौन कैसे रह सकते हैं। रघुवंशीय राम जी के होते यह अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय पर चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया, फिर मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल पर ताप तिहारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश आपका पाऊं मैं, इस धनवे की क्या बिसात सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर जल को थल थल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को सुरमे की भांति पीस कर रख दूं मैं पृथ्वी और बहारों को। फिर पुराना धनुष पड़ा तिनके साथ किस गिनती में है, सो जो तक ले दौड़ू इतना बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत, उठो राम, भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़कर महाराजा जनक के संताप को दूर करो। हे सखी राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सावधान है दशो दिशाओं के दिग्गजों, अब मेरे प्रभु श्री राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो धनुष की डंकार से ये पृथ्वी डगमगा उठे, इसलिए मैं सुमित्रा नंदन इस पृथ्वी को यही थामे देता हूं और तुम सब भी अपने अपने स्थान पर सहज जाओ।
हे सखी, इस समय राजा को कोई ये क्यों नहीं सुझाता है, ये बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण वाणासुर से योद्धा जब हारे चाप उठाने में, फिर क्यों समय व्यर्थ गवाते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब क्यों हंसी करवाते हैं योद्धा तो मथे रगड़ चुके बच्चे अब धनुष उठाते हैं। इससे तो ये अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डाले, योगेवर को देख के सीता का ब्याह रचा डाले, सीता का ब्याह रचा डाले। रानी जी, ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी, मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश मत बाले हाथी को वश कर लेता है, रोगी कितना हो असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, इसीलिए छोड़कर घबराहट रानी जी, विश्वास हृदय में धरिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की नाजी, मन ही मन की नाजी, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की नाजी, मन ही मन की नाजी, अति लाघव उठाए भुवन धुनि घोर कठोरा।
मर जाओ कट जाओ वीरो, खेलो अपने प्राणों पर और कर दो लहू से लाल मही, ले चलो सिया को बाणों पर। तलवार तीर वाली गर्मी, अरे तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनुआ के संग हुई, अब नीची नाको घर जाओ, सब सूर वीरता भंग हुई, बेकार मारकर सेकी अब, अरे बेकार मारकर सेकी अब, बल्लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्म शान की तो डूबो चुल्लू भर पानी में।